सो तीन सवाल, पहला लोग क्या कहेंगे, दूसरा सारे एड फिल्म्स का स्क्रिप्ट एक जैसा क्यों होता है, एंड तीसरा हमारा वो एक दोस्त होता है ना जिसे लगता है कि हमें उसके सारे फीलिंग्स पता होने चाहिए, लाइक वी आर नॉट अ माइंड रीडर। इन दिस वीडियो विल फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। प्रिटी मच हम सब ने कोई ना कोई सोशल ब्लंडर जरूर से किया होगा, लोग हम पर हंसे होंगे, एंड उस कारण से अपन आज तक कुछ भी नया करने या कुछ भी नया आइडिया बोलने से डरते हैं। वी थिंक कि लोग वापस से हंसेंगे, वापस से हमारी इज्जत की फजीहत होगी, सो इससे अच्छा चुप रहते हैं, राइट? वेल, वी ऑल हैव फॉलन विक्टिम टू समथिंग कॉल्ड स्पॉटलाइट इफेक्ट। Spotlight effect is a psychological bias which makes us think too much of ourselves. We always think कि यार लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, जैसे कि हमारे ऊपर कोई spotlight चल रहा हो 24/7. As a human being ना, हमें खुद के flaws बहुत ही ज़्यादा closely पता होते हैं, बहुत बारीकी से हमें पता होता, हमारा बाल वैसे सेट नहीं होता, अपन फंबल कर गए थे कभी किसी ज़माने में, एंड वी थिंक कि सामने वाले को भी वो आज तक याद है। एंड बी ऑनेस्ट विथ मी, तुम्हें कितनों की गलतियां याद हैं? प्रॉबेबली नहीं याद होगी किसी की, क्योंकि हम सब खुद के स्पॉटलाइट में जी रहे होते हैं। हम सबको लगता है कि वी आर दी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड अपन कुछ गलत कर देंगे तो पता नहीं क्या तो भयंकर हो जाएगा। वेल, नोबडी thinks about you that much. Go out there and keep trying new things. You may fail, people may laugh at you, and people will forget about it, kyunki they are in their own spotlight. So ultimately the problem is not log kya kahenge, problem is ki tum kya soch rahe ho ki log kya kahenge, right? Coming to ad films, जो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं ना पूरे टाइम, एक कोई बंदा है, ही इज जस्ट सो सैड, एवरीवन इज लुकिंग एट हिम, लाफिंग एट हिज शूज, हिज हेयर, हाउ हिज फेस लुक, द क्लोथ्स ही इज वेयरिंग, कौन सा साबुन वो यूज कर रहा है, एंड देन अचानक से एक मसीहा आता है, दे गिव हिम दिस वन प्रोडक्ट, एंड फिर हिज लाइफ चेंजेस, एवरीवन स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग हिम, ही इज एट द सेंटर ऑफ द कन्वर्सेशन, सब उसे एडमायर कर रहे हैं। Well, this is a classic case of spotlight effect that companies have been using throughout. हमें already ये तो लग ही रहा होता है कि लोग हमें देख रहे हैं। ये ad films उस belief को और strengthen करते हैं और ये भी बोलते हैं कि भाई बस देख नहीं रहे, तुम पे हंस भी रहे हैं। अगर तुम ये product नहीं use करोगे, ये साबुन नहीं use करोगे, ये shampoo नहीं use करोगे, ये कपड़े नहीं पहनोगे, ये जूते नहीं पहनोगे, तो you will have no chance at this world. And the moment you buy these, boom, nothing else, you succeed in your life. So well, now you know the trap, to fir try karo bachne ka. Don't buy things just because. Coming to the last part of the video, spotlight effect comes with a free offer, transparency effect. Hame kya lag raha hota 2400 ghante ki log hame dekh rahe hain, hamare bare mein baat kar rahe hain, to agar mere sath kuch bura hua एंड उसके कारण से मैं बुरा फील कर रहा हूँ, तो यार सामने वाले को तो पता होना चाहिए ना मैं बुरा क्यों फील कर रहा हूँ, मतलब थिंग्स आर सो ट्रांसपेरेंट, राइट? रॉन्ग, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में क्या हो रहा तुम्हारे साथ, सब अपने अपने स्पॉटलाइट में बिजी है। सो नेक्स्ट टाइम यू फील बैड, कम्युनिकेट करो कि वाई आर यू फीलिंग बैड, वॉट हैज मेड यू फील बैड, एंड जब तुम बोल रहे होगे ना रीजंस, तुम खुद सोचोगे यार क्या चीज के लेके मैं बैठ के ऐसे रो रहा हूँ। In conclusion, I want you to know कि teenage years में ना अपन अपना self esteem build कर रहे होते हैं, the reasons why we are proud of being us, और अपन proud कब होते हैं अपने बारे में, जब अपन कुछ करें and लोग उसे appreciate करें, हमें उसका results दिखे, ठीक है? पर अब ये ad films वाला जो पूरा environment है, ये तुम्हें एक checklist बना के दे दिया है कि अगर तुम ये करोगे तब appreciate होगे, ये करोगे तब appreciate होगे। Be proud of the things that come in your life due to your own hard work, तुम्हारे खुद के time देने के कारण, मेहनत करने के कारण, तुम्हारा physical fitness हो सकता है, the skills you have gathered over the years, या फिर तुम्हारे marks कितने आ रहे हैं exams में, be proud over these things, don't ever be proud because तुमने कोई एक product खरीद दिया एक ad film देख के, peace.